गाजियाबाद के सिहानी थाना क्षेत्र के रहने वाले शर्मा परिवार ने एक काले कोट से तंग आकर तहसील दिवस में इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई, जिसके बाद पीड़ित परिवार को पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। गाजियाबाद के तहसील दिवस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पटेल नगर निवासी मुकेश शर्मा ने पत्नी और चार बच्चों सहित इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि पड़ोसी वकील अरोड़ा द्वारा दर्जन भर से ज्यादा झूठे मुकदमे कोर्ट में कायम कराने पर कोर्ट कचहरी से तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया। वहीं पुलिस समय बेसमय उनके घर में घुस जाती है, जिससे पीड़ित का पूरा परिवार दहशत में है। वहीं पीड़ित मुकेश शर्मा की मासूम बेटी ने बताया कि पुलिस अंकल आते हैं जिनके डर से सभी भाई बहन स्कूल तक नहीं जा रहे। मेरा नाम रेणु शर्मा है। रेणु जी, क्या परेशानियां आ रही हैं? क्यों आप यहाँ आज तहसील दिवस में क्या मांग कर रहे हैं? एक्चुअली हम तो ये करने आए हैं कि हम चाहते हैं पूरा परिवार अपना यहीं पे खड़े होकर सुसाइड करें। हम चाहते हैं कि आत्महत्या करें, क्योंकि हम पे दो तीन महीने से इतनी परेशानी आ रही है कि आप जान नहीं सकते हम कितनी परेशान हैं। क्योंकि सुबह शाम तक कोई टाइम ऐसा नहीं होता कि हम चैन से घर में बैठ सकें। ये डर रहता है कि कब पुलिस वाले आएंगे, इन्हें ले जाएंगे। अगर ये नहीं होते तो गाली गलौज करते हैं, बच्चों के सामने करते हैं, बच्चे रोते रहते हैं। मैं इन्हें अंदर कर देती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि भैया आप नंबर ले लीजिए। वजह यही है कि आप जो भी कर रहे हैं वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हम गलत हैं वो सही हैं। क्या केस लगाए उन्होंने? केस लगाया लड़की छेड़ने का, दूसरा लगाया चोरी का, तीसरा लगाया कि मेरी बीवी का सर फोड़ दिया, मेडिकल लगा रखा है उसमें भी। तो क्या पुलिस में दर्ज हुए हैं या कोर्ट से दर्ज हुए? कोर्ट से दर्ज हुए हैं। कितना डर है? हैं? कितना डर है? डर भैया डर क्या, तुम्हें दिखाना पड़ता है? डर कभी दिखता है किसी को? नहीं, अगर रो के दिखाना है आपको, या लड़के दिखाना है, या घर में बच्चों मार पीट है। ये शख्स जो इतने केस लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? सुमित अरोड़ा है, हमारे पड़ोसी हैं, नीचे उनकी क्या करते हैं? वकील बताते हैं अपना कि वकील है हम थोड़ा है जो मेरे पे मुकदमे करते जा रहे हैं फर्जी। अच्छा, पुलिस में कोई मुकदमा नहीं करते, ये डायरेक्ट जाके कोर्ट से मुकदमा करते हैं, अपने आप को वकील बताते हैं। सर एक साल से ये कचहरी में जाना शुरू हुए हैं, अब मेरे को नहीं पता इनके पास में लाइसेंस भी है या नहीं है। अच्छा, ये मेरा मकान हत्याना चाहते हैं, इनके 15-20 मकान है वहाँ पे। अच्छा, जिनके जो इन्होंने इसी तरह से ये हत्याएं हैं। अच्छा, लोग परेशान हो के इनसे ऐसे ही गए हैं वहाँ से, अब आगे ये इनकी नियत जो और पूरी जो तो वो है रणनीति है ये है कि ये कैसे भी यहाँ से मकान दे के चला जाए। हैं जी, तहसील दिवस में इसलिए आए हैं कि हमने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि माने डीएम साहब जो है हमारा जो है चिट्ठी, हमें साधारण आदमी है, हमें कोई एड्रेस का या उसका पता नहीं है कि हमें इच्छु मिथ्या की जो है हम मांग करने के लिए आए हैं राष्ट्रपति जी से। इन बच्चों अच्छा बच्चों को लेके इसीलिए आए हैं कि जब हम नहीं रहेंगे तो बच्चे किसके सहारे रहेंगे, इसीलिए हमारा हम बच्चों को लेके आए हैं। क्या होता है घर पे? अंकल रोज से पुलिस आती रहती है। हाँ। और रात को भी फोन आते रहते हैं 12 बजे, और कहते हैं मम्मी पापा को गाली देते हैं। अच्छा, और डर के मारे हम पुलिस भी नहीं जाते, वो स्कूल भी नहीं जा पाते। अंकल पुलिस वाले आते हैं या आंटी पुलिस वाली आते हैं? अंकल आते हैं, कोई आंटी नहीं आती पुलिस वाली, तो डर लगता है। हाँ। पीड़ित की गुहार जैसे ही तहसील दिवस में बैठे अधिकारियों को लगी तो सभी के हाथ पैर फूल गए और पीड़ित को ढांढस देते हुए कहा कि जांच के बाद दोषी पुलिस और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या गुहार लगाई है, क्यों लगाई? देखिए, मुकेश शर्मा नाम का व्यक्ति है, ये सैनिकेट थाने से रहने वाले हैं, और इनका ये कहना है कि इनको विपक्षी इनको प्रताड़ित कर रहे हैं और उनसे मजबूर कर रहे हैं कि बच्चों को चले हैं। तो यह मैंने तहसील दिवस का प्रकरण है, तो मैंने सीओ साहब से जांच कराने के लिए कहा है। वह SHO और चौकी इंचार्ज व आसपोर्ट उसके लोगों के बयान लिख कर घटनास्थल पर जानकारी कर तथ्यों के आधार पर विपक्षी के आधार पर कार्रवाई करेंगे। जो दूसरा पक्ष को फोन है, क्या करता है ये उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, उन्होंने क्लियरली नहीं बताया। जो कुछ भी काम करता होगा यदि गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर ये पता चल रहा है कि वो एक अधिवक्ता है और कलम का बेजा इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कि आरोप है। देखिए, कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यदि वो गलत है तो। पीड़ित के अगर आरोप सही साबित होते हैं तो काला कोर्ट, जिसके पास लोग न्याय की आस लगाते हैं, वो कोर्ट अगर अपनी कलम से बेवजह फंसाएगा तो लोगों को कोर्ट में कौन इंसाफ दिलाएगा, ये बड़ा सवाल इस घटना के बाद खड़ा हो जाता है। हालांकि पीड़ित की गुहार पर पुलिस जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। गाजियाबाद से राशि चौधरी की रिपोर्ट।